हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं उत्तराखंड की भूतहा जगहों के बारे में। कहते हैं यहाँ पर्यटक नहीं, आत्माएं घूमती हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टेप है लोहा घाट मुक्ति कोठरी। दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जिले में लोहा घाट एक ऐसी जगह है जिसे भारत की सबसे हॉन्टेड स्पेसेस में से एक माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर एक घर में ब्रिटिश फैमिली रहती थी। उन्होंने अपने घर को अस्पताल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। यहाँ एक डॉक्टर आया जो खुद को भगवान की तरह दिखाने की कोशिश करता था। वो मरीज को उनकी मौत की तारीख और समय भी बता देता था। जिस मरीज की मौत करीब आती थी उसे एक सीक्रेट कमरे में शिफ्ट किया जाता था जिसे मुक्ति कोठरी बुलाते थे। कहते हैं कि ये डॉक्टर वहाँ उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था। लोगों की माने तो आज भी इस जगह पर मरने वाले मरीजों की आत्माएं भटकती हैं मुक्ति कोठरी में। दोस्तों, हम दूसरी जगह चलते हैं, सेवाए होटल द लेडी घोस्ट। साल 1902 में बनी ये होटल मसूरी में है। कहते हैं 1911 में यहाँ पर एक ब्रिटिश अध्यात्मवादी की लाश उसके कमरे में मिली थी जिसे जहर देकर किसी ने मार दिया था। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जिस डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया उसकी मौत भी कुछ साल बाद इसी वजह से हुई। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ आज भी उस महिला की चीखें सुनाई देती हैं। वो लोगों के दरवाजे पर थपथपाती है। कहते हैं कि ये आत्मा आज भी अपने कातिल की तलाश कर रही है। गुड। लंबी दहर माइंस, माइंस ऑफ द डेथ। दोस्तों, ये खदान जो है मसूरी में मौजूद है। साल 1990 में काम करने वाले करीब 50,000 मजदूर यहाँ पर बीमार पड़ गए थे। कहते हैं उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई थी, खास खास कर उनके मुंह से खून तक निकलने लगा था। इसी तरह से वो एक दर्दनाक तरीके से मारे गए। तब से इस जगह को भूथा जगह कहने लगे हैं लोग। कहते हैं कि यहाँ मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ कारों और ट्रकों की रहस्यमय दुर्घटनाओं के साथ साथ हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे भी इन आत्माओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। स्थानीय लोग यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस जगह से दूर रहने की हिदायत देते हैं। दोस्तों, अगली जगह हमारी परी टिब्बा, परियों का पहाड़। परियां तो आपने सुनी होंगी, परियां। उत्तराखंड में हिल ऑफ फेरीज नाम की एक जगह है जिसे परी टिब्बा भी कहते हैं। ये घने जंगलों के बीच स्थित एक लोकप्रिय जगह है। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी कई कहानियों में परी टिब्बा का जिक्र किया है। यहाँ बिजली गिरने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इस पहाड़ी में से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं जिसमें से एक है प्रेमियों की कहानी। ऐसा माना जाता है कि बिजली गिरने से इस स्थान पर दो प्रेमियों की मौत हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनके झुलसे हुए शव बरामद किए, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी जंगल में भटकती रहती हैं। मुलिंगर मैंशन, घोस्ट राइडर। दोस्तों, मसूरी में साल 1825 में मुलिंगर मैंशन बना था। यह सिरमूर बटालियन में एक आयरिश कमांडर कैप्टन यंग रहा करता था। कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो वापस आयरलैंड चला गया। हालांकि लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ कैप्टन यंग की आत्मा आज भी भटकती है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ आज भी मैदान में घोस्ट राइडर देखा जाता है जिसे कैप्टन यंग भी कहा जाता है। सिस्टर बाजार, हॉन्टेड हाउस। राजसी पहाड़ों पर बसे सिस्टर बाजार स्थानों में से एक है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जंगलों के बीच में बनी इस जगह में पर्यटक मनमोहक दृश्यों को देखने आते हैं। ये भूता घर औपनिवेशिक बंगले के कुछ हिस्सों में से एक था। इस स्थान पर अभी भी ट्रैकर्स और पार्टी के लोग घूमते हैं जो सिर्फ ट्रेल की खूबसूरती के लिए पार्टी स्पॉट की तलाश करते हैं, लेकिन कोई भी शख्स इस घर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, ये बहुत सारी डरावनी जगहें हैं जो हमारे उत्तराखंड में